You're a superhero. कैसे हो आप सब। मेरा नाम रणवीर चौहान, आप देख रहे हैं टेक आरसी। गाइस स्वागत है आपका इस अनदर वीडियो में। गाइस हमने वीडियो के स्टैटिक में सैड फुल स्क्रीन व्हाट्सएप पर वीडियो देखा होगा, उस तरह का स्टेटस वीडियो आप अपने पिक्चर पे बिल्कुल सिंपल वैसे अपने एंड्रॉइड फोन में कैसे बना सकते हो। सो गाइस आज मैं उसी का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग बताने वाला हूं। इस वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया। गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर जिस तरह वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिस ऐप का नाम है काइनमास्टर ऐप, तो चले गए हम ओपन कर देते अपने काइनमास्टर ऐप को। सो गाइस हमने यहाँ पर हमारा काइनमास्टर ऐप जो ओपन कर लिया। ऐप ओपन होने के बाद गाइस यहाँ पर आपको प्लस पर टैप कर देना 9:16 का। यहाँ पर आपको एमपीटी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में आना, एडिटिंग में आना है। यहाँ पर सिंपली से फिल स्क्रीन पर टैप करके डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप को यहाँ 3 पे सेट करके डन कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइस कुछ अपना पिक्चर जो कि सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं कुछ मॉडल का पिक्चर जो कि डाउनलोड करके रखा हूँ तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने 10 पिक्चर्स जो है कि सेलेक्ट कर लिया। पिक्चर अब सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर गाइस मैं जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस पर मेरे टेलीग्राम चैनल को चैनल का लिंक दिया गया होगा, उस पर आप टैप कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर सारे मटेरियल प्रोवाइड करते रहता हूँ, तो सिंपली से प्लस पे आपको टैप कर देना। गाइस काइनमास्टर के सेटअप स्टोर से जाकर ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर गेट मोड पर जाइएगा और ट्रांजिशन इफेक्ट आप डाउनलोड कीजिएगा AR1 रेड वाला। तो गाइस इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं 01 वाला, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ प्लस पे जाएंगे, फिर यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। सब में एक एक करके यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर मतलब सारे पिक्चर में उसी को रिपीट कर करके आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि ये गाइस बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, आप भी ट्राई कर सकते हो अपने पिक्चर्स वीडियो बनाने पे। तो इस पर हम टैप करेंगे, यहाँ पर देखिए देखे करके सारा हम इफेक्ट जो कि ऐड कर लिए हैं। इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद कुछ इस तरह से इसको हमको बड़ा करना है, फिर यहाँ पर हमको इस पर आपको टैप कर देना है, क्लिप ग्राफिक में जाना। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल मी डीजे का क्लिप ग्राफिक है। गाइस ये क्लिप ग्राफिक आपको काइनमास्टर के सेटअप स्टोर में नहीं मिलेगा। तो गाइस ये आपको कॉल मी डीजे वाला क्लिप ग्राफिक कैसे ऐड करना है तो उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो गाइस उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उसमें सारा पता चल जाएगा। तो कॉल मी डीजे में जाएंगे, 01 वाला यहाँ पर इफेक्ट हम ले लेंगे और गाइस इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देंगे। फिर इस पर हम टैप करेंगे, क्लिप ग्राफिक में जाएंगे, कॉल मी डीजे 04, फिर इसमें जाएंगे, फिर क्लिप ग्राफिक बिट साइज 1 और 4 मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं 1 4 ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सारा पिक्चर में 1 4 1 4 करके मैं सेलेक्ट कर रहा था, बाकी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए 1 4 करके हम अच्छा से सेलेक्ट कर रहे हैं सारे पिक्चर्स पे। इसी तरह से आप भी अपने पिक्चर पे सारे इफेक्ट को जो है कि अप्लाई कर लीजिएगा ताकि वीडियो जो है कि काफ़ी बेहतरीन बन जाएगी। तो देखिए गाइस 1 और 4 मैंने जो है कि सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक वीडियो ऐड करने वाले थे, यहाँ पर मीडियम जाएंगे और गाइस यहाँ हम फाइल से जो है कि एक वीडियो जो है कि सेलेक्ट कर लेते थे, यहाँ पर मैंने वो वीडियो बनाकर रखा हुआ है तो यहाँ से हम उसको ऐड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने वो वीडियो को ऐड कर लिए। यहाँ पर वीडियो ऐड हो जाने के बाद अब उसके बाद इस पर आपको टैप कर देना, प्लस पर टैप कर देना, फिर से अर्बन रेड में जाना और कोई एक इफेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर अब आपको म्यूज़िक ऐड कर लेना, तो यहाँ पर आप ऑडियो में जाइएगा और यहाँ से आप म्यूज़िक ऐड कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरा वीडियो में जो कि म्यूज़िक है, तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ फाइल से हम क्या करते हैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से उस म्यूज़िक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वीडियो को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो कि म्यूज़िक आ चुका है, तब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको आपको गाइस शॉर्ट कर लेना होगा आपको म्यूज़िक सुन के। तो गाइस जितना मैं आपको म्यूज़िक जैसे ही एंड होता है वैसे आप इसको मतलब आप एडजस्ट कर लीजिए, तो इतना दूर मुझे याद है कि मैंने इतना ही कट किया था। अब उसके बाद से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, तो थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं, मतलब आप म्यूज़िक के अनुसार से एडजस्ट कर लीजिएगा। आपने प्रीव्यू वीडियो में देख ही लिया होगा, आप अच्छे से उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही हटता है तो यहाँ से अब हम सारे जो कि यहाँ पर इफेक्ट डालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से फिर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और गाइस यहाँ पर हम जो है कि विग्नेट वाला एक PNG ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हम फाइल से विग्नेट वाला PNG हम ऐड कर ले रहे हैं।
सो गाइस यहाँ से हमने विगनेट का PNG सेलेक्ट कर लिया और गाइस पूरा एंड तक ऐसे खींच के हम कर देते हैं और गाइस इसको हम ऐसे फैलाकर पूरा ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पिक्चर को एक्स्ट्रा लिया है हम यहाँ पर म्यूजिक तक ही इसको कट कर लेते हैं, इतना ही हमको म्यूजिक में ऐड करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, विगनेट का PNG हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर एक शैडो वाला PNG ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ फाइल्स जो है कि हम शैडो वाला PNG ऐड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने जो है कि शैडो वाला PNG भी ऐड कर लिया। अब शैडो वाला PNG ऐड हो जाने के बाद इसको भी एंड तक ऐसे खींच के कर देना और गाइस इसको इस तरह से बड़ा करके स्लाइड करते हुए थोड़ा इतने पे आपको नीचे पे आ जाना है। अब उसके बाद गाइस आपको स्टार्टिंग में आ जाना है, लेयर में आना है, मीडियम जाना है और यहाँ पर मैंने एक बनाकर रखा हुआ है अलोन वाला एक PNG एक बनाकर रखा हुआ है, तो हम उस अलोन वाले PNG को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो गाइस जहाँ पर हमने अलोन वाला जो है कि PNG सेलेक्ट कर लिया, तो गाइस इसको इस तरह से बड़ा कर लेना और यहाँ पर आपको नीचे में अच्छे से एडजस्ट इसको इस तरह से कर लेना है। अब उसके बाद गाइस इसको भी क्या करते हैं, हम एंड तक पूरा खींच के कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एक रोज़ का PNG ऐड करना है, तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और गाइस यहाँ हम फाइल से जो है कि रोज़ वाला एक PNG ऐड कर लेते थे। यहाँ पर हमने रोज़ का PNG भी ऐड कर लिया, गाइस इसको भी खींच के पूरा एंड तक कर लेंगे। अब उसके बाद गाइस स्टार्टिंग में ही चले जाते हैं और इसको इस तरह से कर लेना है और इतना छोटा। सो गाइस इस रोज़ को यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको अच्छे से एडजस्ट थोड़ा सा और कर लेते हैं, बड़ा कर लेंगे, इतना हम बड़ा कर लेंगे और इसको आपको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ फाइल से एक जो कि बर्निंग फायर वाला एक वीडियो ऐड कर लेंगे और गाइस जिसका म्यूजिक म्यूट कर देंगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे और इसको गाइस स्क्रीन कर लेंगे। और गाइस आपको क्या करना है, इसको इतना छोटा कर लेना है और यहाँ पर गाइस आपको कुछ इस तरह से रोटेट इतना कर देना है और यहाँ पर अच्छे से रोज़ पे आपको एडजस्ट कर देना है। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इमोजी वीडियो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ फाइल से जो है कि हम इमोजी वीडियो जो है कि ऐड कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ से हमने फाइल से इमोजी वीडियो भी सेलेक्ट कर लिया। आप सिंपली से क्रॉपिंग में जाएंगे, नीचे से इसको क्रॉप कर लेंगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे और गाइस इसको स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन कर लेने के बाद इस पर हमको वीडियो पर टैप कर देना है और इस तरह से यहाँ पर छोटा करना और गाइस यहाँ पर हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेते हैं और अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक एक करके हम यहाँ पर ओवरले इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और पहले हम यहाँ फाइल से एक हम यहाँ पर ओवरले इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम फाइल से सेलेक्ट कर लेते हैं एक ओवरले वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए हमने ओवरले वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। तो गाइस ये वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन में जाकर इसको फुल कर लेंगे, यहाँ पर म्यूजिक को म्यूट कर लेंगे और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाएंगे और गाइस इसको स्क्रीन कर लेंगे। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और ओवरले इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लेयर में जाते हैं, यहाँ पर हम मीडियम जाते हैं और मीडियम जाने के बाद गाइस यहाँ से हम फाइल से वो ओवरले इफेक्ट को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है गाइस, इसलिए यहाँ पर हमको थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ से हम स्नो इफेक्ट वाला जो है कि वीडियो हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हम स्प्लिट स्क्रीन में जाएंगे, इसको भी इस तरह से फुल कर देना है। यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग में आना है गाइस, इसको स्क्रीन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो है कि अच्छे से परफेक्ट सारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली से एक फुल स्क्रीन का बॉर्डर ऐड करना है। तो यहाँ पर लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ गाइस फाइल से हम फुल स्क्रीन का बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सो गाइस जहाँ से हमने फुल स्क्रीन वाला बॉर्डर भी सिलेक्ट कर लिया, आप सिंपली से हमको स्प्लिट स्क्रीन को इस तरह से फुल कर लेना है और गाइस इसको भी खींचते हुए पूरा एंड तक हम फैला लेंगे। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि सारा हमने जो है कि ऐड कर लिया कि नहीं। तो देखिए गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने सारा ऐड कर लिया। तो एक बार हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है। यहाँ पर एक बार वीडियो को हम प्ले करके आपको दिखला देते हैं। हाँ गाइज एक चीज़ आपको और छूट गया था, इस स्टार्टिंग वाले वीडियो पे आपको इस पर टैप करना है, क्लिप ग्राफिक में जाना और गाइज इसमें भी कॉल मी डीजे वाला वन इफेक्ट आपको ले लेना और स्टार्टिंग में इतना आपको क्रॉप कर देना होगा, यही सिर्फ छूट रहा था, बाकी सारा चीज़ हो चुका है। एक बार हम प्ले करके आपको दिखला देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि सैड फुल स्क्रीन व्हाट्सएप वीडियो कितना अच्छा वीडियो बनकर जो है कि रेडी हो चुका है। इस तरह का वीडियो आप भी अपने पिक्चर पे अपने एंड्रॉइड फोन में बना सकते हो। सो गाइस वीडियो बनकर रेडी हो जाने के बाद सिंपली से आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फुल एचडी 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन पे आपको सेट करके आपको सिंपली से एक्सपोर्ट पे टाइप कर देना है और गाइस वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो आई होप गाइस ये ट्यूटोरियल वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।
तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो कहीं अभी तक हमारे चैनल पर नया चैनल पर सब्सक्राइब करके तो बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे सारे वीडियोज को इंटरेस्टिंग आपको मिल सके। तो चलिएगा मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।